नस्योहारा के बिशनपुरा में अज्ञात हमलावरों ने पति पत्नी की चाकू से कूदकर हत्या कर दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और घटना की जांच में जुट गई है। परिजनों ने घटना के संबंध में गांव में पति पत्नी से रंजिश रखने वालों पर आरोप लगाया है। सोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम बिशनपुर में 45 वर्षीय शिव कुमार शर्मा व उसकी पत्नी उषा शर्मा रात को सोए थे। सुबह दूधिया जब दूध लेने पहुंचा, घटना का पता चला। जब चला कि पति पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। सोते वक्त अज्ञात बदमाशों ने दिया कत्ल की वारदात को अंजाम। मौका वारदात पर भारी पुलिस बल मौजूद, पुलिस जांच में जुटी। सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक संजीव त्यागी और अपर पुलिस अधीक्षक देहात संजय सागर भी मौके पर मौजूद हैं। हाँ, डेढ़ साल सर, पहले। हाँ, क्या नाम सर आपका? खेमचंद शर्मा। खेमचंद जी, जो डबल मर्डर हुआ है, क्या मामला था ये? इनका सर झगड़ा चल रहा था पहले से, और जो मुकदमा जो है वापिस करने का दबाव बना रहे थे बिहेवियर के। कौन? यही मनु दास शर्मा। मुकदमा किस चीज़ का था? गोली मारी थी ना इनका। अच्छा, पहले गोली लगी थी इनका, इन मार दी मनु दास शर्मा ने। अच्छा जी, तो अब क्या दोनों को मार दिया इन्होंने? हाँ, शाम हमें तो सुबह पता चला कि इस रात इनका कत्ल हो गया। आप क्या लगते हैं इनके? साले हैं साहब इनके। ठीक, केस के संबंध में क्या कहना है सर? थाना सिहारा के गांव बिशनपुरा में एक दंपति की उनके घर में ही मृतक लाशें मिली हैं। दोनों डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। परिजनों ने एक पुरानी रंजिश जिससे है, उस अभियुक्त के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्त को ढूंढने के लिए टीमें बना दी गई हैं, पुलिस टीम लगी हुई है। कल यूपी 112 की पर भी कॉल करके अभियुक्त के परिजनों ने ही कॉल करी थी और बताया था कि वो घर वालों से लड़ रहा है। उस संबंध में भी जांच हो रही है कि फिर उसमें क्या हुआ था। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन